मेटल्स में हिंडाल्को टाटा स्टील, किरण आपकी क्या सलाह होगी? करंट लेवल्स पर एक शॉर्ट की पोजीशन लेना बेस्ट है इस मार्केट को देख? नहीं, मेरा मानना है कि ये सिर्फ करेक्शन है और करेक्शन कभी भी खत्म हो सकता है। हमने जो रैली देखी करीबन 65 से लेके 100 तक, उसका थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है। हिंडाल्को के बारे में बात करें तो बेस्ट केस सिनेरियो 94-95 तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है 92 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर जब 95 के करीब आता है तब आप 92 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं और वापस एक बार प्ले ऑन द लॉन्ग साइड कर सकते हैं, क्योंकि जो ये गिरावट हमने देखी है करीबन 104 से लेके 97 तक, इसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, तो सप्लाई बिल्कुल इस स्टॉक में नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि ये निचले स्तरों पे लॉन्ग करना चाहिए। टाटा स्टील के बारे में बात करें तो इधर कोई अलग चार्ट पैटर्न नहीं है, इधर भी वॉल्यूम बहुत कम है। जब जहां पे करेक्शन आ रहा है कल परसों से, तब टाटा स्टील में अगर लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करनी है तो करीबन 335 के करीब अगर मिलता है तो बाय करनी चाहिए 330 के स्टॉप लॉस के साथ, और वापस एक बार 355-360 के टारगेट्स के लिए ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। ओके।